in this quaint village under Nuagaon block of Jagatsinghpur district. This statue has immortalized the sacrifice of a brave son of the soil. This is the statue of Prasanna Sahu, CRPF 61 battalion, who was martyred in a terror attack in Fulmama district of Jammu and Kashmir in February 2019. And this is the family of Prasanna Sahu. Their world may have been shattered, but they feel proud in their loss. बापा को हरेज जेते बेले मन तो दुख होची बापा को बहुत मिस करछु नु बहुत प्राउड भी फील करछु कि बापा ने जो कंट्री पे इमती किछ करिसंती ओ एमे से माने तांको बापा मा कि रिलेटिव्स जो माने अछंती आर्मी रे से माने देश पे काम करछंती तो से मानो को प्राउड फील करायबा कथा इट इज ऑलमोस्ट 2 इयर्स नाउ फाइनेंशियल असिस्टेंस has reached the bereaved family, but recognition still eludes. Let's return to the same statue of sacrifice. This statue also represents the bitter truth that the family of our martyr Jawan is enduring. The statue has been built not by the government, but the family members themselves out of their own money, so that it tells the tale of sacrifice and courage to generations to come. बापा तो डेथ पर गवर्नमेंट आसिक बहुत किसी कही पार्क गोटे हम से गोटे स्टाच्यू हम तापर बापा ना जो जो स्कूल पढ़ते त्रिलचन सर विद्यापीठ से स्कूलटा भी बापा ना हम तापर आम घर पाखे जो ब्रिजटा अच्छे शिखरगढ़ ब्रिज से बापा ना हम बोली कही कितु एपर्त किसी होनी आज जोटा हो स्टाच्यू से आम पैसा आम निजे कोविड जो को जो मैंने काम करेंगे आसवे से संस्पर्श रे काोना होती कम होबे तो आर्थिक अवस्था भल होती भी कम स्टार्ट जी भी होता सी जी सफासफी होता से गछ गुछ उठीगले सरकार जो प्रतिश्रुति मनी मेटर तो सबकि प्राय मिल जाए कि जो प्रतिश्रुति कि बापा स्टाच्यू करेंगे पार्क बनइबे आपा ना रोड किसीटा रखे बोली आ गए स्कूल भी बापा ना करने कि सब कि पूरा है दु वर्ष हो गला आमको कही कि कोरोनापी किसी प्रोब्लेम्स होतीपाई कर पारना तो ये तो स्टेबुल प्राय स्टेबुल आसला तो सेमती किसी भी एपर्त स्टार्ट भी है पार्क आमर स्टाच्यू तो आम निज हाथ रू खर्च करके स्टाच्यू बन इनॉग्रेशन करूँ सरकार तरफ सेमती किसी हेल्प मिलनी स्टाच्यू द एडमिनिस्ट्रेशन हैड प्रॉमिस्ड that the school in which Prasanna studied to be named after him. And also the nearby Shikargad Bridge. Almost 2 years have gone by, but nothing has been done yet. Report by Shashank Shekhar Panda from Jagatsinghpur, OTV News.